पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ के मेडिकल की रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी। नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट नॉर्मल हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करने की हिदायत जारी की गई है। नवाज शरीफ को इस बारे में आगाह भी कर दिया गया है। रिपोर्ट में ये सामने आया है। मजीद तफसीला जानेंगे हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर अजम इमरान खान की जानिब से इकदाम किए गए थे कि जो है साबिक वजीर अजम नवाज शरीफ के मुकम्मल टेस्ट किए जाएं, उनको तमाम सहूलियात फराहम की जाएं और उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रिपोर्ट भी तलब की थी, जो आज जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट भिजवा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि नवाज शरीफ के तमाम इन्वेस्टिगेशन टेस्ट किए गए हैं, जिसमें तमाम मुकम्मल तौर पर उनको क्लियर करा दिया गया है और बताया ये गया है कि उनके तमाम टेस्ट जो है वो नॉर्मल है, शुगर टेस्ट भी नॉर्मल है और तमाम टेस्ट जो किए गए उनकी तमाम रिपोर्ट साथ लिख की गई है। और उनके साथ ये बताया गया है कि नवाज शरीफ को जो डॉक्टर ने तजवीज़ किया कि वो पानी ज्यादा पिए और उस हवाले से नवाज शरीफ को आगाह कर दिया गया है और जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि इनको कब और कौन सी दवाई किस वक्त देनी है, उस वक्त के हिसाब से हम जो है नवाज शरीफ को दवाई दे रहे हैं और इनके जो अब तक सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं, सेहतियाब हैं और इनको जो है मुकम्मल टेस्ट क्लियर करार दिए गए हैं। ये रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भिजवा दी गई है और उनके इकदाम पर, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट तलब की थी और उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इनके तमाम इनको तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और जो इनको कानून के दायरा कार में रखते हुए जो मुमकिन इकदाम थे इनको वो तमाम सहूलियात। बहुत शुक्रिया हसन रजा आपका।